प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग यही प्यार सने मुझको देते रहें। मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अपने प्रोग्राम के द्वारा कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करें। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308000। मित्रों, ये मोबाइल नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कभी भी कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। परंतु अगर कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस देना होगा। अगर फीस आप देंगे तो पूरा विवेचन कर दूँगा। बहुत से मित्रों का फरमाइश आया है चंद्र मंगल शनि की युक्ति कुंडली में, कुंडली के प्रत्येक राशियों में कैसा खेलता खेल, क्या प्रभाव देता है। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्र मंगल मित्र हैं, परंतु चंद्र मंगल का शनि शत्रु। वैसे भी चंद्र मंगल से शनि का कोई संबंध नहीं है, ये जहाँ भी इनके साथ रहता है शनि बिगाड़ता है। आज मैं आपको मेष राशि से लेके मीन राशि तक प्रत्येक राशियों के बारे में बता रहा हूँ कि आपके कुंडली में किन जिन जिन राशियों में जहाँ बैठा हो क्या प्रभाव देता है। जिसकी कुंडली में मेष राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग आलसी होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, ऐसे लोग कर्मठ नहीं होते हैं, जिद्दी होते हैं, चैत्यहीन होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जीवन में कभी सफल नहीं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के दिए हुए धन को बर्बाद कर देते हैं, भाई बंधुओं से भी विवाद करते हैं, घरेलू जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा लड़ते हैं। जिसके कुंडली में कर्क राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग तो धन जरूर कमाते हैं, मगर ऐसे लोग गलत सोहबत करते हैं, नशा करते हैं, चैत्यहीन होते हैं। महिला है तो कई पुरुषों से संबंध रखती है, पुरुष है तो कई महिलाओं से संबंध रखता है। जिसके कुंडली में सिंह राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, ये कभी पूर्ण विद्वान नहीं होते हैं, शिक्षा के अभाव में ये जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं, ठोकरे खाते हैं, कभी इच्छा अनुसार उन्नति नहीं करता। जिसके कुंडली में कन्या राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ये शत्रुओं से परेशान रहते हैं, मानसिक परेशान रहते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, जेल जाने की संभावना भी बनती है, और केस मुकदमा के लड़ने के कारण ये अपने जीवन में कभी इच्छा अनुसार सफल नहीं होते। जिसके कुंडली में तुला राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता है, इच्छा अनुसार इनकी शादी नहीं होती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, विचारों में मतभेद रहता, तलाक तक की समस्या आती है। ऐसे लोग को अवसर बहुत मिलते हैं मगर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग कर्जदार भी हो जाते हैं और नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग की आलसी होते हैं, इनकी बुद्धि चलायवान होती है, हमेशा स्थिरता इनके जीवन में नहीं रहती। जिसके कुंडली में धनु राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनीति में जाते हैं, संसद विधायक बनते हैं, मगर उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं, विवादों में रहते हैं, इनके पास कमाए हुआ धन भी इनसे बर्बाद हो जाता है। जिसके कुंडली में मकर राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, बहुत धन कमाते हैं, जीवन में अच्छा पहचान बनाते हैं, रंग से राजा बनते हैं।
जिसके कुंडली में कुंभ राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, इनको सरकार से भी पद मिलता है, अचानक धन प्राप्त होता है, कम मेहनत में अधिक धन कमाते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि में चंद्र मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कमाए हुए धन को बर्बाद कर देते हैं, इनका संतान से विवाद रहता है, ऐसे लोग के चौथेपन विवादों में व्यतीत होते हैं, बनाया हुआ जमीन जायदाद इनके हाथ से निकल जाता है। ये छोटा सा वीडियो चंद्र मंगल शनि की युक्ति कुंडली के में किन किन राशियों में कैसा खेलता है खेल, ये आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना करके वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।